नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का पिग्गी बैंक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का पिग्गी बैंक। झपट जी, आप कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं? देखो पिंकी, मैं परेशान हूँ, मजाक ना करो। मैं मजाक नहीं कर रही, कुछ कहो, शायद मैं मदद कर सकूँ। मैं बैंक से चेक भुनाने गया था, मगर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो बंद हो गया। घर में आटा दाल खत्म हो गया है, हम क्या खाएंगे? आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? 250 रुपये। आप मुझे चेक दे दो, मैं आपको 250 रुपये दे देती हूँ। मगर इतने पैसे तुम्हारे पास आएंगे कहाँ से? आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? देखना होगा कहीं आम खट्टे ना हो। मुझे हर रोज 1 रुपया जेब खर्च मिलता है, वो मैं गुल्लक में डालती रहती हूँ। इस तरह मेरे पास कुछ कुछ धन इकट्ठे हो गए हैं। सचमुच तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरे साथ चलिए। मेरा पिग्गी बैंक तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास कैसे? हम बैंक लूटने निकले थे, हाथ लगा ये पिग्गी बैंक, उसे इधर दो। उसमें से पैसे निकाल कर मैंने झपट अंकल को देने हैं। पैसों की हमें भी ज़रूरत है, इसलिए पिग्गी बैंक हमारे पास रहेगा। प्लीज आप मुझसे चेक ले लो और उतने रुपए मुझे पिग्गी बैंक से निकाल कर दे दो। नहीं, हमें भूख लगी है, इन पैसों से हम जाकर ढाबे पर खाना खाएंगे। कोई ऐसा तरकीब नहीं निकाल सकते जिससे झपट जी और आप दोनों का काम बन जाए? झपट जी पैसे लेकर जाते हैं और उनसे आटा दाल खरीदते हैं और खाना पकाकर खुद खाते हैं और आप दोनों के लिए लेकर आते हैं। मंजूर है, मैं गुल्लक खोलती हूँ। सारे सिक्के मुझे जेब खर्च में यही मिलते थे, मजबूरी है, सिक्के जेब में भर कर जाता हूँ। सिक्कों की खनखनाहट कितनी संगीतमय है, खन खन। ओह, जेब फट गया, खन। सारे सिक्के बिखर गए, इनको इकट्ठा करने में घंटों लग जाएंगे। उधर तुम्हारा साथी नहीं आया, हमें भूख लगी है। वो इस लड़की की चाल थी, इसे गोली मार दो। इस घर से चीखने की आवाज़, वहां जरूर कोई कुछ गड़बड़ लगती है। आओ, खबरदार, हमें जोरों की भूख लगी है, जेल में रोटी मुफ्त मिलेगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और चूजे। भोलू, क्या तुमने स्कूल का होमवर्क कर लिया? हैं, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया? तुम? मैं पिंकी हूँ, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, याद आया? सॉरी, दरअसल कुछ दिनों से मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। सामने डॉक्टर फटफट का क्लिनिक है, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। डॉक्टर साहब, आओ बोलू, तुम्हें क्या तकलीफ है? पिंकी, मुझे क्या बीमारी थी? रिम्बी, मैं अंडे लाया हूँ, इनका केक बना दो। अभी मैं व्यस्त हूँ, कुछ देर बाद बनाऊंगी। सु भागो, कमबख्त, बिल्ली की नज़र अंडों पर है, मुझे इनकी रखवाली करनी होगी। झपट अंकल, पिंकी तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे आने से हमारे घर की कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है। तुम जाती हो या मैं अपनी छड़ी का इस्तेमाल करूँ? ओह, झपट जी आज गुस्से में है, तभी पिंकी टकरा जाती है। ओह, मेरे अंडे! अच्छा हुआ अंडों से चूजे निकले, ये बड़े होकर और अंडे देंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झपट जी की चिट्ठी। रिम्बी, क्या तुम्हारे पास टिकट्स हैं सिनेमा के? ओफो, मुझे डाक टिकट्स चाहिए, मैंने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी है जो बिजनौर में रहता है। तो ऐसा कहो ना, देती हूँ। मैं बाजार जा रही हूँ, ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दूंगी। नहीं, ये इम्पोर्टेंट लेटर है, अगर तुम भूल गई तो। उससे भी ज़्यादा सुरक्षित तरीका बताऊं? बताओ, तुम बिजनौर जाकर खुद ही दोस्त को चिट्ठी थमाओ।
मैं चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल कर आता हूँ। ओ, बिल्ली रास्ता काट गई। क्या हुआ? झपट अंकल, एक और मुसीबत। मैं लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने जा रहा था, बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। ये अपशकुन होता है। उसने आपका रास्ता काटा है, मेरा नहीं। लाइए, चिट्ठी मैं डालाती हूँ। नहीं, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगी। ये कोई मिठाई का पैकेट थोड़े ही है जो मैं रास्ते में खा जाऊंगी। ठीक है। और पिंकी जाती है और वो लेटर बॉक्स में वो चिट्ठी डाल देती है। कुछ दिन बाद, पोस्टमैन, आपने बिजनौर जो चिट्ठी पोस्ट की थी वो बैरंग वापस लौट आई है। निकालिए 6 रुपये। ये चिट्ठी बैरंग कैसे हो गई? पिंकी से जाकर पूछना चाहिए। कुछ दूर, पिंकी, मैंने डाक टिकट लगी चिट्ठी तुम्हें दी थी, फिर वो बैरंग कैसे हो गई? दरअसल मुझे डाक टिकट्स इकट्ठे करने का शौक है। चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने से पहले मैंने उस पर से टिकट्स उतार लिए थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नट्टू का कुत्ता। रॉकी जंप। वाह नट्टू, तुम्हारा कुत्ता होशियार है। निकालो 10 रुपये। किस बात के? मेरे रॉकी की तुमने कलाबाजी देखी। अगर सर्कस जाती तो 20 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता। तभी पिंकी सीटी बजाती है। कुट कुट जंप, ये वो नहीं कर पाएगी। नट्टू नट्टू, हिसाब बराबर, सर्राट। अभी नहीं, मैं गेंद फेंकता हूं, जो जानवर इसे पकड़ कर लाएगा वो कंपटीशन में जीता। वो गई बॉल, और दोनों बॉल लपकने के लिए भागते हैं। मेरा रॉकी आगे निकल गया। तभी खर, तुम्हारा कुत्ता बिना गेंद को लौट रहा है, और तभी हाथी उस गेंद को किक मारता है। शाबाश कुट कुट, बॉल यहाँ रखो। दूसरे दिन, नट्टू, कटोरे में क्या है? खीर में वायरस मिली है जिससे जानवर बीमार पड़ जाता है। इसे कुटकुट के दरवाजे पर रखता हूँ, वो खाएगी और बीमार पड़ेगी। ओ, वो खीर मेरा कुत्ता खा गया। और कुत्ता बीमार पड़ गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बरसात में। आज मौसम अच्छा है, पिकनिक पर चलें। ठीक है, हम तैयारी करके आते हैं। मधु, हम आज पड़ोसी के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। मैं खाने पीने का सामान रखती हूँ। मम्मी, मैं नहीं जा रही। क्यों पिंकी? मेरे जूते फटे हैं। रास्ते में तुम्हारे पापा तुम्हें नए शूज खरीद देंगे, तब ठीक है। चलो, तुम्हें नए जूते दिला दें। बेबी, पैर में ये कैसे हैं? आरामदेह। कार में बैठो, आओ, पार्क आ गया, यहाँ पिकनिक मनाएंगे। और सभी लोग वहाँ खेलने लगते हैं। तभी बारिश आ जाती है। बारिश, उस पेड़ के नीचे शरण लो। और सभी उस पेड़ के नीचे शरण ले लेते हैं। हमारे पैर पानी में डूब गए हैं। बारिश रुकने पर, ओह, मेरे जूते सिकुड़ कर खराब हो गए। लेकिन पिंकी, तुम्हारे शूज वैसे के वैसे हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी की पेंसिल। झपट अंकल, आपकी उंगली पर पट्टी चोट कैसे लगी? पट्टी चोट के लिए नहीं बांधी, तो फिर किस लिए? मेरी पत्नी ने कहा था कि शाम को दफ्तर से आते वक्त मैं उसके लिए एक साड़ी बाजार से खरीद कर लेता हूँ। मैं कहीं भूल ना जाऊँ, इसलिए उसने उंगली पर पट्टी बांध दी है। इसे देखते ही मुझे साड़ी याद आ जाएगी। जरा ये पेंसिल छील देना। कट कट कट। आओ, चाकू से मेरी उंगली जख्म हो गई है। लाओ, मैं उंगली पर पट्टी बांध देती हूँ। पेंसिल छीनने के लिए धन्यवाद। शाम को, रिम्पी, देखो, जो तुमने कहा था वो मैं लाना नहीं भूला। वाह, मैंने तुमको एक कहा था, तुम दो साड़ियाँ ले आए, क्योंकि मेरी दो उंगलियों पर पट्टियाँ बंधी थी। पिंकी, हमें शतरंज खेलते हुए शाम हो गई है। तुमने पेंसिल हाथ से नीचे नहीं रखी। इस पेंसिल से मैंने लिखाई करनी थी। मुझे घर जाना चाहिए। बेटी, तुमने स्कूल का होमवर्क नहीं किया। करती हूँ मम्मी। जब होमवर्क दिखाओगी तब खाना मिलेगा।
ओह, पेंसिल का सिक्का अंदर धंस गया, वो दूसरी तरफ से बाहर निकल आया है। सारी लीड निकाल ली जाए, अब इससे लिखा जाए। ओह, लीड टूट गई। कड़ाक, कहाँ चल दी? बाजार, दुकान से पक्की पेंसिल खरीदने जा रही हूँ। एक पेंसिल देना पक्की वाली। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऊंची मूछें। पिंकी, मैंने खीर बनाकर मेज पर रखी है, चलो चलकर खा लो। मम्मी, मैं अभी अभी जाकर खा लूँगी, टीवी सीरियल की एपिसोड खत्म होने वाली है। कुछ देर बाद एपिसोड खत्म हुई, अब खीर खाई जाए। ओह, कुट कुट मेरी खीर खा गई। चल भाग, दादाजी कुछ खाने को है? नहीं, लंच टाइम खत्म हो चुका है, खाने के लिए तुम्हें रात का इंतजार करना पड़ेगा। मगर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसा करो पड़ोस में झपट जी के घर जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। झपट अंकल, देखो पिंकी, मैं पहले ही परेशान हूँ, और ना करो। क्या प्रॉब्लम है? शहर में कोई मेरा रौब नहीं मानता, सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। अगर आप मुझे कुछ खाने को दो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ। अच्छा, ये लो चॉकलेट, अगर आप अपनी नीची मूछें ऊंची कर लें तो सब आपसे डरेंगे। मगर ये कैसे होगा? आसान है, इन पर गोंद लगाओ, ये सख्त और ऊंची हो जाएगी। अच्छा आइडिया है, वाह, ये रोबोली लगती है। अब बाजार चलें और देखें लोगों पर कितना रौब पड़ता है। सलाम साहब। पिंकी, तुम्हारी तरकीब कामयाब रही। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, ये मेरा इलाका है, यहाँ से आज तक कोई मूछें ऊंची करके नहीं निकला। अपने मूछें नीचे कर, मगर रुस्तम जी, ये जम गई है, नीची नहीं हो सकती, तेरी ये हिम्मत। धड़ाक। प्रिय, क्या हुआ? तुमने अपनी रोबीली मूछों को क्यों ढक लिया है? तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोपी। कुट कुट, रुको, मैं तुम जितना तेज नहीं दौड़ सकती। कहाँ गई वो? भिक्कू, क्या तुमने मेरी गिलहरी को देखा है? वो झपट जी के घर की तरफ गई है, मर गए, कहीं उनका नुकसान ना कर दे। ओह, उस शैतान गिलहरी ने मेरी मैगजीन को उतार डाली, उस जानवर को अपनी टोपी में कैद कर देना चाहिए। फटाक। अब वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। तभी सर्राट, और उनकी टोपी सीधे सड़क पे जाकर गिरती है। ओह, मेरी टोपी। कुट कुट, आओ। झपट जी, आप रो क्यों रहे हैं? मेरी टोपी का सत्यानाश हो गया, ये सब तुम्हारी गिलहरी के कारण हुआ, मुझे अफसोस है। टोपी ताज के बराबर होती है, अब मैं सिर किससे ढकूंगा? मैं आपको दूसरी टोपी देती हूँ, आइए मेरे घर पर। रुकिए, उसे मैं अंदर से लाती हूँ। कुछ देर बाद झपट जी बैठ के, उसे मैं आपके सिर पर खुद रखूंगी। ये सख्त क्यों है? पिंकी, तुम जार का ढक्कन कहाँ से ले आई? पिंकी, तुम जार का ढक्कन कहाँ ले गई हो? तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंडेल। ये बम पटाखा चलाया जाए। ओह, मैं मोमबत्ती लाना भूल गया, अंदर से लाऊं? कुट कुट, रुको। कट कट कट, वो बोका का पटाखा कुतर गई है, मेरा बम। कुट कुट, कुतर गई। मैं उस गिलहरी को गोली मार दूंगा। शैतान, आज तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता, ये रॉकेट चलाया जाए। सर्राट, बचाओ। ओह, झपट जी, पिंकी, मुझे परेशान ना करो, अंकल अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे कंडील टांगना है, मगर उस कुंडे तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, इस कनस्तर पर खड़े होने से आपका हाथ वहां तक पहुंच जाएगा, ये उलट तो नहीं जाएगा, मैं इसे थामे रखूंगी। और झपट जी ऊपर कंडे में टांग देते हैं, और झपट जी उसको ऊपर कंडील में टांग देते हैं। मैं वो काम कर दिखाया, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तभी कंडील से वो छूट करके सीधा झपट जी के खोपड़ी पर गिरती है। धप, कंडील की डोरी टूट गई। पिंकी, इसे निकालने में मेरी मदद करो। सॉरी, मैं खाना खाने घर जा रही हूँ।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पर्वतारोहण। हुर्रे मम्मी, गर्मी की छुट्टियां हो गई। हम छुट्टियां मनाने कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद? नहीं, वहाँ बड़ी गर्मी होगी। हम हिल स्टेशन जाएंगे, वहाँ मौसम खुशगवार होगा। हाँ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। पिंकी, जल्दी आओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। वाओ, क्या मनोरम दृश्य है। जहाँ हमें ठहरना है वो होटल आ गया। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ। पिंकी, आओ पर्वतारोहण करें, देखें पहले चोटी पर कौन पहुँचता है। मैं तुमसे आगे निकल गया और तभी वो फिसल जाता है। फिसलना? ओह, मैं नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ कि मैं फिसल गया मगर तुम नहीं फिसली? क्योंकि मैंने पर्वतारोहण के खास सूज पहन रखे हैं, जो सरफेस पर पकड़ बनाए रखते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक्ट्रेस बानो। पिंकी, चैनल बदलो, दूसरे चैनल पर ये खबरों का टाइम है। पापा, इस चैनल पर एक्ट्रेस बानो की फिल्म आ रही है, मैं उसकी प्रशंसक हूँ। खबरें आप ट्रांजिस्टर पर सुन सकते हैं। ओह, केबल वाले की बिजली चली गई मगर मेरा ट्रांजिस्टर बैटरी से चल रहा है। अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए। कुट कुट, रुको, इतना तेज मत दौड़ो, मेरी गिलहरी इधर आई थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कहीं आपने तो उसे नहीं देखा? लड़की, मैं जेब में जानवर इकट्ठे नहीं करती फिरती। ओह, मेरे बुरके के अंदर कोई धमा चौकड़ी मचा रहा है। शैतान गिलहरी मेरे बुरके में छिप गई है। एक्ट्रेस बानो? मैं उस एक्ट्रेस की फैन हूँ, वो एक्टिंग के क्षेत्र में अद्वितीय है। ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ। उन्होंने मुझे पहचान लिया है, भागो, वो भीड़ पीछे रह गई। चेहरा इतना खूबसूरत होते हुए आप बुर्का पहनकर क्यों निकलती थीं? मैं बाजार में एक आम आदमी की तरह आज़ादी से घूमना चाहती थी। भीड़ मुझे पहचान ना ले इसलिए मैंने बुर्का पहन लिया। कभी कभी प्रसिद्धि के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बेगम, आओ घर चलें, बच्चे वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धड़ाक। बेगम, माना कि सुबह हम दोनों में कहासुनी हुई हो गई है, मगर लगता है तुमने अभी तक गुस्सा थूका नहीं है। मियाँ, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, यहाँ से भाग चलो, यही मुनासिब है। और तभी घर, बचाओ। आपा बानो, बुरके को उतार फेंको, यही मुनासिब है। कुट कुट, आओ घर चलें, टीवी पर फिल्म आ गई होगी। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लालटेन। दादाजी, आप उल्टे क्यों खड़े हैं? ये दुनिया उल्टी है, इसलिए उसे उल्टे होकर देखना पड़ता है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, इस वक्त मैं योगा अभ्यास करने में व्यस्त हूँ। पिंकी, अब तुम जाओ बाहर खेलो। आप योगा अभ्यास क्यों करते हो? इससे आपको क्या मिलता है? ये एक व्यायाम है, अब तुम जाओ। बजरंगी पहलवान तो व्यायाम के लिए दंड बैठक, मुग्दर घुमाना, दौड़ना और पानी में तैरता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे हल्का योगा अभ्यास पसंद है। मैंने तो कोई चुटकुला नहीं सुनाया, फिर इतने जोरों से क्यों हंस रहे हैं? अगर तुम नहीं गई तो मुझे रोना आ जाएगा। टिंग टांग। पिंकी, जाकर देखो दरवाजे पर कौन आया है। नमस्कार, हमारी कंपनी ने एक नया टूथपेस्ट निकाला है जो दांतों को मजबूत और मोतियों जैसा चमकदार बनाता है। चलते नजर आओ, टूथपेस्ट के साथ कंपनी ये नहाने का साबुन फ्री में देती है। मेरे दादाजी दांतों से दांत साफ करते हैं। वहाँ एक सेल्समैन था, मैंने उसे टरका दिया। काश मैं भी तुम्हें टरका सकूं। दादाजी, आप मुझे नमस्ते कर रहे हैं? नहीं, ये योग की एक मुद्रा है। तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो। स्टूल दूसरे कमरे में मिलेगा। दादाजी, लगता है आपका एक पैर थक गया है, उसे इस स्टूल पर रख लीजिए। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पिंकी, क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ, तो जाओ पड़ोस में किसी घर से एक लालटेन मांग कर लाओ, मैं उसे अभी लाती हूँ। तुम
तुम्हें पता है कि लालटेन पड़ोस में कहीं नहीं मिलेगा। आजकल रोशनी के लिए सब लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। फिर तुमने पिंकी को वो लेने क्यों भेजा? जब तक वो लौट कर आएगी, मैं चैन से योगा अभ्यास खत्म कर चुका होऊंगा। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म की जुराबें। पिंकी, तुम ठीक से स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आई। क्यों मैडम, क्या कमी है मेरे यूनिफॉर्म में? तुम्हारी जुराबे धारीदार है, जबकि ये सादा होनी चाहिए। अभी घर जाओ और सही जुराबे पहनकर स्कूल आओ। मैडम ने ठीक देखा, गलती मेरी है। मैं सारे बच्चों के मजाक का पात्र बनना नहीं चाहती। आजकल मैं भूलने लगी हूँ। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं परीक्षा में क्या लिखूंगी? मैं सीधा अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ जाती हूँ और स्कूल यूनिफॉर्म की जुराबे लेती हूँ। हैं, अलमारी में जुराबे नहीं हैं? शायद वे मेज़ की दराजे में मिल जाएं। दराजे में भी वे नहीं मिली। हो सकता है मम्मी ने उन्हें धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दिया हो। यहाँ पर भी जुराबे नहीं हैं, आखिर वे गई कहाँ? पिंकी, क्या आज तुम स्कूल से जल्दी आ गई हो? मम्मी, वरुणा मैडम ने कहा है कि मेरी जुराबें स्कूल यूनिफॉर्म्स के साथ मैच नहीं करती हैं। जुराबें उतार कर मुझे दो, मैं अभी इन्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म के साथ मैच कर देती हूँ। लो मम्मी, तुमने जुराबें उल्टी डाली थी, इन्हें पलट कर सीधा कर दो। दूसरी तरफ से कपड़ा बिना धारियों का है। काम बन गया, मुझे क्लास की तरफ भागना चाहिए। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मधुमक्खी से सामना। कुट कुट, मधुमक्खी फूल से पराग ले रही है, उसे परेशान ना करो। छलांग, और कुट कुट मधुमक्खी का पीछा करता रहता है। मम 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 और कुट कुट वहाँ कैनवस पर एक अच्छा सा फूल को ड्राइंग करता है। मम मम तो चलिए पिंक इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के जूते। पिंकी, रुपए लेकर कहाँ जा रही हो? नेताजी, जूते खरीदने। जूते तो तुमने पहन रखे हैं, ये चप्पलें हैं, जबकि मैं सैंडल खरीदने जा रही हूँ। मेरे पास तरह तरह के कई जूते रखे हैं, चाहो तो तुम उनमें से पसंद करके ले सकती हो। अच्छा हाँ, पैसे जेब में डालो, वे दूसरी जगह काम आएंगे। आओ यहीं ठहरो, मैं जूते अंदर से लाता हूँ। ये रहे, छांट लो, इनमें से जो तुम्हें पसंद हो तुम ले सकती हो। ये छोटा है, मेरे पैर में नहीं आएगा, ये बहुत बड़े हैं। नेताजी, ये सैंडल मेरे पैर में फिट आया, मगर इसका दूसरा पैर नहीं है। आप कैसे हैं जो जूते का एक ही पैर खरीदते हैं? अरे खरीदता कौन है, बेवकूफ़ है। अरे खरीदता कौन बेवकूफ़ है, ये सब मुझे मुफ्त में मिले हैं। जब मुझे जूते चाहिए होते हैं तब मैं एक आम सभा आयोजित करता हूँ। भाइयों, बढ़ती हुई महंगाई का हमें स्वागत करना चाहिए। जिन देशों में जितनी ज़्यादा महंगाई है उन मुल्कों ने उतनी ज़्यादा तरक्की की है, जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। ये नेता क्या बकवास कर रहा है, वो जनता को गुमराह कर रहा है। मारो मारो इसे, मारो। और स्टेज पर फेंके गए सारे जूते को मैं इकट्ठा करके ले आता हूँ। मेरे पास जूतों का एक स्टॉक इकट्ठा हो गया है। अच्छी तरकीब है पिंकी, अगर तुम्हें भी सैंडल चाहिए तो कोई ऐसी बात कहो जिससे लोगों को गुस्सा आ जाए। उन लड़कियों ने नए फैशन के सैंडल पहन रखे हैं। बच्चों को खिलौने बहुत प्यारे होते हैं, मुझे उनके खिलाफ कुछ कहना चाहिए, तभी उन लड़कियों को गुस्सा आएगा। सहेलियों, मेरी बात सुनो, अपनी गुड़िया और खिलौने को तोड़ दो, वे किसी काम के नहीं हैं। खिलौने खिलौने से समय और पैसों की बर्बादी होती है, उनसे हमें फायदा नहीं नुकसान हुआ है। वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है। क्या तुम अपने सैंडल मुझ पर नहीं फेंकोगी?
बिल्कुल नहीं, हमारे इम्तिहान करीब है, इस वक्त हमें खिलौने से खेलने के बजाय किताबें पढ़ना ज़रूरी है, और तुमने वही बात कही है। इस नेता को प्रिंसिपल के पास ले चलो, वे तुम्हें शाबाशी देंगे। हुर्रे! अरे तुम रो क्यों रही हो? तुमने तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। जब वे मुझे उठाकर ला रही थी तो मेरी चप्पलें कहीं गिर गई है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दवा खाने में। नर्स, हमारे क्लिनिक में कोई मरीज नहीं आ रहा। डॉक्टर ब्रेम बिल्ला, आपके यहाँ तो कोई मरना नहीं चाहता। शायद शायद है एक मरीज जो आपने आपसे लगातार 6 महीने तक दवाई दी थी। याद है एक मरीज जो जो आपसे लगातार 6 महीने तक दवाई ली थी? वो चारपाई पर पड़ा रहा। एक दिन आप उसे दवाई देना भूल गए। उसी दिन वो आदमी तंदुरुस्त होकर घोड़ी की तरह दौड़ने लगा। दूरबीन से देखता हूँ कि कोई भूला भटका इधर आ रहा है या नहीं। आहा, एक लड़की इधर आती दिखाई दे रही है। पर डॉक्टर ब्रेम बिल्ला, वो लड़की बीमार नहीं लगती। हमारे क्लिनिक में कोई फिल्म नहीं दिखाई जाती जो वो देखने आ रही है। आओ, हमारे यहाँ हर बीमारी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, पेट के कीड़े, बहरापन, नींद ना आना, पागलपन, चोट लगना वगैरह का शर्तिया इलाज होता है। हर मरीज हमारी नई स्कीम 25% छूट का फायदा उठा रहे हैं। मगर मैं बीमार नहीं हूँ। तो खेलते वक्त चोट लग गई होगी या बालों में जुएं पड़ गई होगी? वो भी नहीं है तो फिर तुम अपने दादाजी के लिए खांसी की दवाई लेने आई होगी। वो अच्छे भले हैं। तो फिर तुम्हारी मम्मी नहाते वक्त बाथरूम में फिसल गई होगी? नहीं। तुम्हारी नानी के कान में दर्द होगा? नहीं। तो तुम्हारे पड़ोसी को खट्टी डकारें आती होंगी? नहीं। मेहमान को उल्टी दस्त? वो भी नहीं। लड़ाई में तुमने किसी को ईंट मारकर उसका सिर फोड़ दिया होगा। अब चाहती हो कि उसके मरहम पट्टी की जाए। मैं लड़ाकी नहीं हूँ। तो फिर स्कूल में तुमने बीमारी की छुट्टी लेनी होगी और चाहती हो कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट दें? नहीं। तो फिर मेरे क्लिनिक में क्या करने आई हो? मैंने पंसारी जी की दुकान से चावल खरीदे थे और इसे आपकी वजन की मशीन पर रखकर देखना चाहती हूँ कि कहीं दुकानदार ने कम तो नहीं तौला। धन्यवाद, तौल ठीक निकला। और इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।